जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो कृपया इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके कमेंट के आधार पे अपने वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी में सुधार कर सकें। आज के ये जो एक या दो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, ये बेसिकली मेरे अपने सेटअप पे नहीं, मेरे बेडरूम्स में। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत लगे तो प्लीज यार संभाल लेना, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बिनती है, आप लोगों का प्यार है। आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट चटपटी खबर लेके आया हूँ। आप लोगों को पता है, थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला था, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा आपको। बेसिकली वो वीडियो मेरा नहीं था, वो आज तक का वीडियो था। उस वीडियो में था कि पाकिस्तान की जो GDP है वो गधों के सहारे है। पर भाई, अब तो पाकिस्तान की GDP के हालात और भी बुरे और बदतर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो गधों के सहारे नहीं, अब वो कुत्तों के सहारे पे आ गई है। इससे बुरे हालात नहीं हो सकते, क्योंकि अब पाकिस्तान की सरकार, बेसिकली पाकिस्तान की सरकार अब कुत्ते बेचने पे आ गई। पहले गधे बेच के अपने देश की GDP सुधारने वाली थी। और अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम जैसे आजिज शख्स की एक राय कबूल कर ले, इन सब कुत्तों को जमा करें, एक फार्म हाउस बनाएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अच्छा खिलाएं, ज़बरदस्त किस्म का सेहत बना दें इनकी, और फिर आप चाइना से एक एग्रीमेंट करें एक्सपोर्ट का, कुत्तों की एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो कुत्ते वगैरह खाते भी हैं, वो जो यूज़ करना चाहें। मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपके सस्ते कुत्ते बड़ी खुशदिली के साथ लिए जाएंगे। फीमेल्स अपने पास रख लें, इनकी ब्रीड करवाएं, और सालाना लाखों कुत्ते जो हैं जो मोहल्लों में, वो भी सब उधर आ जाएंगे, तो मोहल्ले पाक हो जाएंगे, खतरात ख़त्म, और एक अच्छी मतलब आपकी तिजारत मारिज़ वजूद में आ जाएगी। और फ़िक़्ह हनीफ़े में कुत्ते की सेल परचेज़ बिल्कुल जायज़ है, और इससे जो कसब होता है वो तय्यब और हलाल है। तो लिहाजा अगर ये समझ में आए, प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारियां दे दें, उनके लिए एक्सपोर्ट आसान कर दीजिए, फिर देखें कुत्ते हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होंगे। और हमारे यहाँ कुत्तों को तो वैसे ही बड़ी बरकत है, एक एक कुतिया छः छः बच्चे दे रही है, गलियां भरी पड़ी हैं कुत्तों से, आप ये देखिए, इनको सबको एक्सपोर्ट कर दें। तो खैर, अब वो कुत्ते बेच करके अपने देश की GDP सुधारेगी। हैट्स ऑफ टू यू पाकिस्तान, भाई कुत्ते बेच लो, पहले तुम गधे बेच रहे थे, अब तुम्हारे हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब तुम्हें गधे भी तुम्हारे देश की GDP को सहारा नहीं दे सके, तो अब तुम कुत्तों पे आ गए। चलो ऊपर वाले से दुआ करेंगे, दो चार कुत्ते ही तुम्हारी कोई मदद कर दें। आपको तो सलाम बनता है इमरान खान जी, पहले आप गधों के सहारे देश चला रहे थे, अब कुत्तों के सहारे आ गए हो। गधा एक मेहनतकश जानवर होता है और कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, पर यार ना गधे को बदनाम करो ना कुत्तों को बदनाम करो, कुछ तो शर्म करो पाकिस्तानियों। यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं है या पाकिस्तान की पब्लिक नहीं है, पाकिस्तान को चलाने वाली वहाँ की गवर्नमेंट प्लस पाकिस्तान की आर्मी और जितने भी XYZ है। भाई अच्छा हुआ तुम लोगों ने हिंदुस्तान से बंटवारा लेकर के तुम अलग हो गए, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर तुम कहीं देश में रह जाते ना, तुम जैसी नस्ल के लोग हिंदुस्तान में, तो भाई कानों को हाथ लगाता हूँ, तौबा तौबा तौबा, देश के क्या हालात हो जाते, समझ नहीं आ रहा। इस बंटवारे को लेकर के मैं यही कहूंगा, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गधों सहारे और कुत्तों के सहारे रहने वाले इंसान, ना तुम कुत्तों के लायक हो ना ही तुम गधों के लायक हो, क्योंकि गधा एक ऐसा मेहनतकश जानवर है जो बोझा ढोता है, और कुत्ता एक ऐसा वफादार जानवर है कि उसको जितना भी मारो पीटो जो मर्जी करो, वो अपने मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। सारा मामला यह है कि जो पाकिस्तान की सिंध प्रोविंस यानी कि सिंध प्रांत है, जो वहां पे एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उस ऑर्डिनेंस में पाकिस्तान की सीनेट और पाकिस्तान की सरकार को एक सलाह दी गई है कि फिलीपींस और चाइना और साउथ चाइना सी की जितने भी देश हैं, वहाँ पे कुत्तों को बेचा जाए, पाकिस्तान के गलियों के कुत्ते, आवारा कुत्तों को, प्लस पाकिस्तान में अगर वहाँ से कुछ पैसा मिल जाए तो कुत्तों की फार्मिंग करके, यानी स्ट्रीट डॉग्स और जो अपना डॉग फार्मिंग करके वहाँ के देशों में बेचा जाए। तो बेसिकली उनका कहना है कि इस तरह देश में आवारा कुत्तों की में भी कमी आएंगी। भाई देख लो, कुत्तों का नाम लिया, कुत्तों को भी बुरा लग गया, बीच में भौंकना शुरू कर दिया। भाई हिंदुस्तान के सभी कुत्तों से निवेदन है कि ये पाकिस्तान से संबंधित कुत्तों के बारे में बातचीत हो रही है जो इमरान खान की हरकत पे, तो कृपया भारतीय कुत्ते क्षमा करें, वो इस मामले में बुरा ना माने, क्योंकि माना वो कुत्ते आप ही की बिरादरी के हैं, आके और उनमें फर्क है, वो पाकिस्तान के कुत्ते हैं, आप हिंदुस्तान के कुत्ते हैं, तो कृपया थोड़ा संयम बरतें। खुदा रहम करे, वो ऊपर वाला रहम करे इन बेचारे कुत्तों पे, पाकिस्तान के कुत्तों पे, जो वहाँ के कुत्तों से भी बदतर राजनेताओं के हत्थे चढ़ने वाले हैं। हे ईश्वर, पाकिस्तान के कुत्तों को इतनी शक्ति देना कि वो अपने बचाव में कम से कम कुत्ता पकड़ने वालों को तो इतनी बार काटे, खास करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और या पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं, उनको तो अच्छे से काट ही ले यार, इतनी उनके दांतों में शक्ति देना कि जो भी उन्हें पकड़ने जाए उन्हें अच्छे से काट ही ले। तो खैर, इन लोगों का अब कहना यह है कि जी हम कुत्ते बेच के अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, क्योंकि इनको FATF में अपना क्या कहते हैं ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले ग्रे लिस्ट में थे FATF में, तो FATF में अब ये ब्लैकलिस्ट में आने के बाद इनका सिंध प्रांत ने ये वहां की केंद्र सरकार यानी कि इमरान खान को सजेशन
सजेशन दिया है कि हम अपने देश के कुत्ते क्यों ना फिलीपींस और अब अपना चाइना और साउथ चाइना सी की कंट्रियों में बेचें। तो उनका कहना है कि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। पर जाते जाते मेरा एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक निवेदन है, कृपया अपने देश के कुत्तों पे जुल्म ना करते हुए आप अपने देश की जनता और कुत्तों पे विशेष करके एक उनका उद्धार करते हुए जाएं। जाएं इन द सेंस कि अगर आप इस्तीफा दे दें तो शायद हो सकता है पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के कुत्तों की कुछ भलाई हो जाए। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है श्री इमरान खान जी कि आपके आने के बाद तो पाकिस्तान की जनता के बुरे दिन तो क्या आने थे, वहां के गधों और कुत्तों के बुरे दिन आ चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि शायद आप ही इस्तीफा दे करके देख लें, शायद आपके देश का कुछ भला हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।